नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ वीडियो लेक्चर में आप सौनु हार्दिक स्वागत छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे धोरण 11 कॉमर्स में विषय वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन, जेमा विद्यार्थी मित्रों आपणे चेप्टर नंबर 6 धंदाकीय व्यवस्थाना स्वरूपो भाग 2 विषे अभ्यास करी रह्या छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आगळना लेक्चर में आपणे संयुक्त हिस्सावाळी कंपनी, जेने कंपनी तरीके पण ओळखवामां आवे छे, तेज कंपनीना फायदा गैरफायदा तेमना विषे आपणे अभ्यास कर्यो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों, एज अभ्यास उपरथी कंपनीनी स्थापना करवाथी घणा बधा फायदा थाय छे। कंपनीनी स्थापना करवाथी घणा बधा फायदा थाय छे अने एज फायदामां विद्यार्थी मित्रों खास करीने कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवे छे। सरळ स्थापना विधि छे, शेरनी संपूर्णपणे फेरबदली करी शकाय छे। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों, मोटा पाया उपर रोकाण करवानी जरूर पड़े तो ए ज रोकाण आपणे आवी कंपनी द्वारा शेर अथवा तो डिबेंचर बहार पाड़ी अने मोटा प्रमाणमां मूड़ी प्राप्त करी शकीए छे। आवी ज रीते विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना लेक्चरमां कंपनीना घणा बधा गैरफायदा हता ते गैरफायदा विषे पण आपणे अभ्यास कर्यो हतो, जेमा विद्यार्थी मित्रों कंपनीनी संपूर्णपणे स्थापना करवा माटे आवेदनपत्र नियमनपत्र तेमनी नोंधणी करावी फरजियात छे, जरूरी छे। कारण के कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवे तो कोर्टमां बधा ज प्रकारना दावा मांडी शकाय। तो विद्यार्थी मित्रों, ए ज प्रमाणे जारे कोईपण कंपनी तेनी स्थापना करवानो विचार आवे त्यारे तेमने निष्णात व्यक्तिओ, योग्य मार्गदर्शन आपनार अधिकारी, तो आवा लोकोनी फी खूब ज ओछी होय, खूब ज वधारे होय छे। तो एटला माटे विद्यार्थी मित्रों आवा आपणने घणा बधा गैरफायदाओ पण जोवा मळे छे। तो हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे आजना लेक्चरमां एज कंपनी विषे अभ्यास करवानो छे अने आजना लेक्चरमां आपणे कंपनीना जे प्रकारो छे ए प्रकारों विषे अभ्यास करवानो छे। कारण के विद्यार्थी मित्रों, आगळना लेक्चरमां आपणे कंपनी शा माटे अस्तित्वमां आवे छे, तेनुं कार्यक्षेत्र केवुं होय छे, कई रीते पोतानुं कार्य करे छे, तो संपूर्णपणे आपणे तेमनी माहिती एटले के कंपनीनी माहिती मेळवी हती। तो ए ज कंपनी केवा केवा प्रकारनी होय छे, कारण के आपणा समाजमां आपणा देशमां घणी बधी कंपनी आपणने जोवा मळे छे, तो ए कंपनीना प्रकारो केवा केवा होय छे तेमना विषे आजे आपणे जाणकारी मेळवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रो, सौ प्रथम पहेला कंपनीना मुख्य चार प्रकारो छे। एक तो खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी, बीजू सभ्य संख्यानी दृष्टिए, तीजू वर्चस्वनी दृष्टिए अने चौथू नोंधणीनी स्थाननी दृष्टिए। तो विद्यार्थी मित्रों, खास करीने कंपनीना मुख्य चार प्रकारो छे, ए चार प्रकारोमांथी आजे आपणे कंपनीना मुख्य बे प्रकारो छे ए बे प्रकारो विषे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम पहेला आपणे खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी छे तेमना विषे माहिती मेळवीए। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे संसद सभा के विधानसभा
ना, खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवे छे तो तेवी कंपनी ने खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे संसद सभा होय अथवा तो विधानसभा होय, संसद सभा अथवा तो विधानसभा, तेना द्वारा जे कंपनी अस्तित्वमां आवे छे तो तेने खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी कहेवाय। तो विद्यार्थी मित्रों, आवी कंपनी ना आपणे उदाहरण जोईए तो रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इन्श्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आवी तमाम कंपनी विधानसभा अथवा तो संसद सभा होय छे तेना द्वारा अस्तित्वमां आवे छे, खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे एज कंपनीना प्रकारोमां आगळ वात करीए तो सभ्य संख्यानी दृष्टिए। तो विद्यार्थी मित्रों, एमां तो घणा बधा प्रकारो छे सभ्य संख्यानी दृष्टिए, कंपनीना प्रकारो केवा जोवा मळे छे तेमना विषे माहिती मेळवानी छे। तो एज माहितीमां सौ प्रथम पहेला विद्यार्थी मित्रों, जाहेर कंपनी, खानगी कंपनी अने एक व्यक्तिनी कंपनी, आवी रीते आपणने सभ्य संख्यानी दृष्टिए त्रण प्रकारो पड़े छे। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे प्रकारोमां आपणे वात करीए अने एज प्रकारोमां आपणने पूछवामां आव्युं होय के सभ्य संख्यानी दृष्टिए कंपनीना प्रकारो जणावो, तो आपणने ख्याल होवो जोईए के सभ्य संख्यानी दृष्टिए जाहेर कंपनी जोवा मळे छे, खानगी कंपनी जोवा मळे छे अने एक व्यक्तिनी कंपनी जोवा मळे छे। एवी ज रीते विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जाहेर कंपनीमां जे प्रकारों आपणने जोवा मळे छे तेमना विषे अभ्यास करवानो छे। तो सौ प्रथम पहला विद्यार्थी मित्रों, आपणे जाहेर कंपनी विषे माहिती मेळवीए अने त्यारबाद तेना जे त्रण प्रकारो छे ए प्रकारो विषे पण आपणे माहिती मेळवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, कंपनी धारा अनुसार जे कंपनी खानगी नथी, जे कंपनी खानगी नथी तेने जाहेर कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे अने आवी कंपनीमां ओछामां ओछा 7 सभ्यो अने वधुमां वधु संख्या ऊपर कोई नियंत्रण नथी। तो टूंकमां विद्यार्थी मित्रों, जाहेर कंपनीनी वात आपणे करीए तो जाहेर कंपनी जे कंपनी धारा अनुसार खानगी कंपनी नथी तेवी तमाम कंपनीने जाहेर कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। आवी कंपनी एटले के जाहेर कंपनीमां सभ्योनी संख्या ओछामां ओछी 7 અને વધુમાં વધુ કોઈ નિયંત્રણ નથી, તમે ગમે તેટલા સભ્યો જાહેર કંપનીમાં રાખી શકો છો। કંપની તેના શેર ખરીદવા, ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપી શકે છે, શેરની ફેરબદલી ઉપર નિયંત્રણ નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જાહેર કંપની શેર अथवा तो डिबेन्चर जो बाहर पाड़े तो ये जाहिर जनता ने खरीदवा माटे आमंत्रण आपी शके छे। अने साथे साथे विद्यार्थी मित्रों, जे शेर अने डिबेन्चर छे तेनी फेरबदली करवी होय तो फेरबदली पण करी शकाय छे। तो आवी तमाम प्रकारनी व्यवस्था जे कंपनी द्वारा आपवामां आवे छे, सभ्यनी संख्या पण नक्की होय छे जे खानगी कंपनी नथी तो तेवी कंपनी ने जाहेर कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे जाहेर कंपनी कोने कहेवाय तेमना विषे अभ्यास कर्यो, तो एज अभ्यास उपरथी आपणे
जाहिर कंपनी ना जे त्रण प्रकारों पड़े छे ते त्रण प्रकारों विषे अपने वात करवानी छे। तो सौ प्रथम पहला विद्यार्थी मित्रों, जाहिर कंपनी में शेर मूड़ी थी मर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी, पेलोज प्रकार शेर मूड़ी थी जवाबदारी वाली मर्यादित कंपनी। तो तेने आपणे समझिए विद्यार्थी मित्रों, कंपनीना सभ्योनी जवाबदारी, तेमणे कंपनीना खरीदेला शेरनी दार्शनिक किंमत पूरती ज मर्यादित छे। आवा कंपनीना नामना छेड़े लिमिटेड शब्द लखवो पड़े छे। तो विद्यार्थी मित्रों, शेर मूड़ी थी मर्यादित जवाबदारी वाली जे कंपनी छे तेना जे सभ्यो होय छे ते सभ्योनी जवाबदारी मात्र ने मात्र तेमने जेटला शेर खरीदेला होय तेटला ज शेर ऊपर तेमनी जवाबदारी बनती होय छे, बाकीनी जवाबदारी सभ्योनी रहती नथी। तो आवी रीते जे कंपनी अस्तित्वमां आवे छे ते कंपनी ने शेर मूड़ीथी मर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। अने आवी कंपनीना जे नाम होय छे ते नामना अंते लिमिटेड शब्द लखवामां आवे छे अथवा तो लखवो पड़े ते फरजियात छे। तो विद्यार्थी मित्रों, शेर मूड़ीथी मर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी। हवे एज प्रकारनी अंदर आपणे आगळ वात करीए तो बाहेधरीथी मर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकारमां आपणने बाहेधरी नामनो शब्द जोवा मळे छे। तो बाहेधरी शब्द उपरथी आपणे एवुं कही शकीए કે ઘણી બધી જવાબદારી માટે આપણે બાહેધરી આપીએ છીએ અને તેનું નફો થાય અથવા તો નુકસાન થાય, જે કાંઈ જવાબદારી આવે તે જવાબદારી ભોગવવાની બાહેધરી આપણે આપીએ છીએ। તો આ પ્રકાર વિશે આપણે વાત કરીએ તો કંપનીના સભ્યોની જવાબદારી તેમણે આપેલી બાહેધરી રકમ પૂરતી જ મર્યાદિત હોય છે। કંપનીના વિસર્જનના સંજોગોમાં સભ્યોએ આપેલ બાહેધરીની રકમ ચૂકવવી પડે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે જ્યારે કોઈ પણ કંપની અસ્તિત્વમાં આવે તો એ કંપનીના જે સભ્યો હોય છે એ સભ્યોએ જ્યારે કંપની બંધ થાય અથવા તો તેનું વિસર્જન કરવાનું આવે ત્યારે કોઈ પણ જાતની ખોટ અથવા તો નુકસાન હોય તો એ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે જે રકમ ભરવાની નીકળતી હોય એ જ રકમમાંથી સભ્યોએ અગાઉ નક્કી કરેલી રકમ હોય અને બાહેધરી આપી હોય તેટલી જ રકમ ભરવાની હોય છે, તેનાથી વધારે રકમ તે ભરવા માટે તેને આપણે કહી શકાય નહીં। તો આવી રીતે જે કંપની અસ્તિત્વમાં આવે છે તેમને બાહેધરીથી મર્યાદિત જવાબદારી વાળી કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ધારો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક કંપનીમાં આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ અને એ જ ઉદાહરણ ઉપરથી તમને વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવશે કે આ પ્રકાર કઈ રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક કંપની છે તેમાં આપણે એવું માની લઈએ ઉદાહરણ તરીકે કે 10 સભ્યો છે, એમાંથી દરેક સભ્યની જવાબદારી અથવા તો તેમણે બાહેધરી લીધી છે એ અલગ અલગ છે, બરાબર છે। તો એમાંથી એક સભ્યએ જવાબદારી 5 લાખની લીધી છે, એક સભ્યએ 10 લાખની લીધી છે, આપણે ઉદાહરણ જોઈ રહ્યા છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે કંપનીનો વિસર્જન કરવાનો સમય આવશે ત્યારે કંપનીનું દેવું અથવા તો ચૂકવવાની રકમ ભલે ગમે તેટલી હશે પરંતુ સભ્યએ તો 5 લાખ, 10 લાખ અથવા તો 15 લાખ એમને જે બાહેધરી આપી હશે એ અગાઉથી જ લખી લેવામાં આવે છે, તો એ જ બાહેધરી પ્રમાણે તે રકમ ચૂકવી આપશે, તેનાથી વધારે અથવા તો ઓછી રકમ તે ચૂકવી શકશે નહીં। અને પછીના પોઈન્ટ ઉપર આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જાહેર કંપનીમાં પણ અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની જોવા મળે છે, અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને આ પ્રકારની કંપનીમાં સભ્યોની જવાબદારી અમર્યાદિત હોય છે,
कंपनीनी मिलकतो करता देवा वधी जाय तो सभ्यए अंगत रीते जवाबदार बने छे। तो टूंक में विद्यार्थी मित्रों, अमर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी के जेना जे सभ्य होय छे ये सभ्योनी जवाबदारी संपूर्णपणे एमनी ज होय छे। कंपनीनू कोईपण जातनू देवू ऊभू थाय, गम्मे तेटलू देवू होय, ए तमाम देवानी चुकवणी माटे सभ्योए पोतानी मिलकत माथी पण देवू चुकवू पड़े छे। तो आवी रीते जे कंपनी अस्तित्वमां आवे ते कंपनी ने अमर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे जाहेर कंपनी अने जाहेर कंपनीना जे प्रकारो हता ते प्रकारों विषे माहिती मेळवी अने हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे सभ्य संख्यानी दृष्टिए कंपनीना जे प्रकारो छे एज प्रकारोमा आपणे खानगी कंपनी विषे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, खानगी कंपनीना पण त्रण प्रकारो जोवा मळे छे अने त्रणे त्रण प्रकारो विषे आपणे माहिती मेळवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम पहला खानगी कंपनी नी आपणे वात करिए तो खानगी कंपनी एटले एवी कंपनी के जेना सभ्योनी संख्या ओछामां ओछी बे अने वधुमां वधु 200 सुधी मर्यादित होय। खानगी कंपनीना शेरनी फेरबदली उपर नियंत्रण होय छे। जाहेर जनता ने तेना शेर के डिबेंचर खरीदवानुं आमंत्रण आपी शकता नथी। खानगी कंपनीना सभ्योनी जवाबदारी आपणे जोईए। तो विद्यार्थी मित्रों, खानगी कंपनी कोने कहेवाय? तो के जे कंपनी में ओछामां ओछा बे अने वधुमां वधु 200 सभ्यो जोवा मळे तेवी कंपनी ने खानगी कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। खानगी कंपनीना जे शेर होय छे ते शेरनी फेरबदली करी शकता नथी। जाहेर में करी शकीए छे, खानगी में करी शकता नथी। एटला माटे तेने जाहेर अने आमां फेरफार करी शकता नथी एटला माटे तेमने खानगी कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, जाहेर जनता ने शेर अथवा तो डिबेंचर खरीदवा माटे आमंत्रण पण आपी शकता नथी। तो आवी रीते जे कंपनी अस्तित्वमां आवे छे तेने खानगी कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। तो फरी एक वक्त विद्यार्थी मित्रों, खानगी कंपनी कोने कहेवाय? तो के जे कंपनीमां सभ्यनी संख्या ओछामां ओछी बे अने वधुमां वधु 200 नी होय एज कंपनीमां जे शेर होय छे अथवा तो डिबेंचर होय छे तेमनी फेरबदली करी शकता नथी अने जाहेर जनता ने शेर अथवा तो डिबेंचर खरीदवा माटे आमंत्रण आपी शकता नथी तेवा प्रकारे जे कंपनी अस्तित्वमां आवे छे तेने खानगी कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे खानगी कंपनीना जे प्रकारो छे ये त्रण प्रकारो छे, जेवी रीते जाहेर कंपनीमां त्रण प्रकारो हता एवा ज त्रण प्रकारो आमां पण जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, जाहेर कंपनी ई सरकारश्रीना मार्गदर्शन नीचे अस्तित्वमां आवी होय छे, ज्यारे खानगी कंपनी खानगी व्यक्तिना धोरणे अस्तित्वमां आवी होय छे। तो हवे विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम पहला एज प्रकारनी अंदर आपणे वात करीए तो खानगी कंपनीमां पण मर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सभ्यनी जवाबदारी तेमणे खरीदेला शेरनी दार्शनिक किंमत पूरती ज मर्यादित होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक एवी कंपनी के एज कंपनीनी अंदर सभ्योए जे शेर खरीदेला होय ते शेर पूरती ज तेमनी जवाबदारी मर्यादित होय छे अने एज कंपनीना नामनी पाछळ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लखवामां आवे तो तेने
खानगी कंपनी तरीके अमर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। पछीनो पॉइंट छे विद्यार्थी मित्रों बाहेधरी। जेवी रीते जाहेर कंपनी में हतुं एवी ज रीते अहींया पण ए ज वात आपणने जोवा मळशे। खानगी कंपनी में एक एवी कंपनी अस्तित्व में आवे छे के जेना सभ्योनी जवाबदारी तेमने जेटली बाहेधरी लीधी होय तेटली ज तेमनी जवाबदारी कंपनीना विसर्जन समये तेमने बाहेधरी लीधी होय तेटली ज रकम चूकवानी। तो एवा रीते जे कंपनी अस्तित्वमां आवे छे तेने बाहेधरीथी मर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। अने अंतमां अमर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी जेवी रीते आपणे जाहेर कंपनीनी वात करी हती एवी ज रीते खानगी कंपनीमां पण अमर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आवी कंपनीमां सभ्योनी जवाबदारी संपूर्णपणे कोईपण जातनुं नुकसान देवुं ऊभुं थाय तो ए देवानी रकम कंपनी पासे मर्यादित न होय तो तेना जे सभ्यो छे ए सभ्योनी अंगत मिलकत वेचीने पण आ देवानी भरपाई करवी पड़े छे। तो आवी रीते जे कंपनी अस्तित्वमां आवे छे तेने बाहेधरीथी नहीं पण अमर्यादित जवाबदारी वाली कंपनी छे ए कंपनी तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों हालनो अभ्यास आपणे अहीं सुधी राखीए अने हवे पछीना आगळना अभ्यास में आज कंपनीना आगळना जे प्रकारों छे ए प्रकारों विषे अभ्यास करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों आजना वीडियो लेक्चरनी अंतर्गत आजे आपणे जे अभ्यास कर्यो छे ते ज अभ्यासने ध्यानमां राखी तमने जे होमवर्क आपवामां आवे ते होमवर्क तमारे मने लखी मोकली आपवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों कंपनीना जे प्रकारों छे ए प्रकारोमां जाहेर कंपनी अने खानगी कंपनी बन्नेनो अर्थ आपी बन्नेना प्रकारों तमारे विगतवार लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों हालनो अभ्यास आपणे अहींया सुधी राखीए छीए।